हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड. आज हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल्स वर देयर और उसके कलर कॉम्बिनेशन का क्या बेनिफिट होता है, मतलब क्या डिफरेंशिएट है. देखिए, जो जितने भी शिपिंग बिल्स होते हैं ना आपके, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपके ड्यूटी एग्जेम्पशंस है और जितने भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स है, तो गवर्नमेंट ने इन तीन चीज़ों को अलग अलग और जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग शिपिंग बिल का अलग अलग कलर रखे. तो ये छोटा सा लॉजिक है. अब उसमें मेजरली कितने टाइप्स के शिपिंग बिल्स होते हैं, तो फोर टाइप्स के होते हैं मेनली. एक होता है ड्यूटी फ्री शिपिंग बिल, सेकंड आता है आपका ड्यूटीबल शिपिंग बिल, थर्ड आता है आपका शिपिंग बिल अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक, एंड फोर्थ वन इज़ योर एक्स बॉन्ड शिपिंग बिल. अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक एक इसमें शिपिंग बिल का मतलब क्या होता है. आज से बात करेंगे कि इसके छोटा सा एक ओवरव्यू. तो जितना भी आपका ये ड्यूटी फ्री शिपिंग बिल आता है ना, वो वाइट कलर का आता है. ऑलवेज रिमेंबर, वाइट कलर में आएगा आपका जो ड्यूटी बिल शिपिंग बिल होता है, जिसके ऊपर ड्यूटी पे करना है, वो आपको हमेशा येलो कलर में आता है. थर्ड आपका आता है कि शिपिंग बिल फॉर ड्रॉबैक, जो ग्रीन कलर में आता है. एंड एक्सबॉन्ड शिपिंग बिल जो होता है आपका, वो आता है पिंक कलर के. तो ये चार है, वाइट, ग्रीन, येलो और पिंक कलर का. तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे शिपिंग बिल दिखे तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. आपको CHA करवा देगा, तो आप इतना वरीड करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग इज डन बाय योर कस्टम हाउस एजेंट. बट एक छोटा सा वीडियो था ताकि आपको कुछ नई चीज़ पता चले. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का रिगार्डिंग कुछ भी सीखना इन डिटेल, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.